हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज अपडेट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ सारे के सारे रियाज फैंस को, एंड सेकेंडली एक अपडेट देने वाली हूँ ममता मैम से रिलेटेड, एंड उसके बाद इश्मा मजान सीजन 3 से रिलेटेड एक धमाकेदार विजेस वाली अपडेट देने वाली हूँ। सो एक ही अपडेट है सारे के सारे फैंस के लिए। सो या इस वीडियो के एंड तक बन रहेगा। सो गाइस, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ममता मैम से पहले रिक्वेस्ट की जाती थी कि वो जल्द से जल्द हमारे इश्क में मजाओं और सीज़न 3 को लॉन्च करें, एंड सेकेंडली हमारे इश्क में मजाओं सीज़न 3 में रियांश को ले। जी हाँ, तो ये रिक्वेस्ट की जा रही थी बहुत दिनों से, बट अभी रिक्वेस्ट चेंज हो चुकी है, बिल्कुल भी सेम नहीं रहे, एकदम चेंज हो चुके हैं। सो अभी ममता मैम से रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमारे रियांश को इश्क में मजाओं सीज़न 3 में रखिए, एंड सेकेंडली इश्क में मजाओं सीज़न 3 को जल्दी लाइए, एंड उसके बाद आप इश्क में मजाओं सीज़न 3 में सेम कास्ट बिल्कुल भी नहीं रखिए, एक फ्रेश वाली कास्ट रखिए, एक न्यू स्टार रखिए, एक न्यू कास्ट रखिए, जिस वजह से फैंस खुश हो जाए, अच्छी लगे देखने को, मतलब शो अच्छा लगे देखने को, एंड उसके बाद आप एक फ्रेश वाली स्टोरी लाइए। जैसे कि इश्क में मजाओं सीज़न 1 में कितनी अच्छी स्टोरी थी ना, बस मैं तो फर्स्ट पूरा जो इश्क में मजाओं सीज़न 1 था ना, उसका मैं लास्ट एपिसोड नहीं देखी थी, क्योंकि उस टाइम में मैं भूल गई थी, मैं उस टाइम इश्क में मजाओं सीज़न 1 को उतना देखती नहीं थी, बट पहले मैंने थोड़ा सा एपिसोड्स देखे थे। सो उसके बाद जब सीज़न 2 का प्रोमो आया था, तो मुझे मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हो चुकी थी कि मुझे यार ये इश्क में मजाओं सीज़न 2 पूरा का पूरा देखना है, एक भी एपिसोड मिस नहीं करना है, मतलब कि एक भी एपिसोड मुझको छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा देखना है। तो वैसे ही अगर इश्क में मजाओं सीज़न 3 में एक अलग सा स्टोरी रहे, जोड़ी अगर सेम भी रही तो कोई नहीं भाई, सो हम लोग को जोड़ी तो सेम ही चाहिए, और ये रिक्वेस्ट ममता मैम से की गई। सो जोड़ी सेम रहनी चाहिए, एंड सेकेंडली कास्ट और स्टोरी अलग होनी चाहिए, एंड जोड़ी सेम रहनी चाहिए। सो ये रिक्वेस्ट उनसे की गई। सो ममता मैम से ये जो एक जो फ़ैन है ना, फ़ैन ने उनके पोस्ट पे कमेंट किया और उनको यही सब लिखा, मतलब एकदम रिस्पेक्ट के साथ, एकदम अच्छे से, एकदम जैसे सजा बजा के लिखा, ताकि वो हम लोगों को इग्नोर नहीं करती हैं। सो उन्होंने उनका कमेंट पढ़ा, एंड उन्होंने सेकेंडली उन्होंने उनको जो है उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ लिखा था, एंड अच्छे से लिखा था। सो उन्होंने उनको जो है एक इमोजीज भेजे, मतलब रिप्लाई किया, उनको इग्नोर नहीं किया। सो आप लोग समझ सकते हैं, ये हुई ना फैंस के लिए गुड न्यूज़। तो आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ, हमारी ममता मैम हमारे सारे कमेंट्स को, हमारे सारे डिमांड किए गए सारे चीज़ों को वो इग्नोर नहीं कर रही है, बट वो अभी क्या सोच रही है क्या नहीं है तो मुझको पता नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंगली ममता मैम इश्क में मजाओं सीज़न 3 के बारे में कुछ ना कुछ वो डिस्कस कर रही है, एंड सेकेंडली वो कुछ सोच रही है। एंड आप लोगों को बता दें कि उन्होंने जो रिप्लाई दिया वो रिप्लाई ये था कि उन्होंने इमोजीज भेजे, दो इमोजीज दिए, एक इमोजी सोचने वाला दिया, मतलब वो सोचेंगे उस बारे में जिसके रिलेटेड उसके बारे में वो सोचेंगे। सो उन्होंने सोचने की इमोजेस दे, एंड लव की इमोजेस दे, जैसे कि दो इमोजेस दिए, एक सोचने वाली, एक लव की वाली, एक हार्ट इमोजेस दिए, मतलब कि उनको इस बारे में बहुत ही उनको कुछ हुआ है, एंड वो अभी इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। एंड आप लोगों को बता दे, उस जो फैन ने लिखा था उस कमेंट तो मुझको पता नहीं, बट कमेंट के बारे में कुछ जो है कमेंट में कुछ ऐसा था, सो उन्होंने कमेंट में लिखा था, जो जिस फैन ने लिखा था तो कमेंट में उन्होंने लिखा था कि इस और उन्होंने लिखा था सो उन्होंने लिखा था बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा था कि इश्क में मजाओं मेरे दिल पे एकदम छू गया है, इश्क में मजाओं बहुत ही अच्छा शो है, उन्होंने ऐसा बहुत कुछ लिखा था। सो इसी वजह से हमारे ममता मैम का दिल जो है वो पिघल गया, एंड ममता मैम अभी वो लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, एंड आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हमारे ममता मैम को सपोर्ट करना है, एंड ममता मैम से नाराज़ मत हो भाई, हमारे ममता मैम को सपोर्ट करो, एंड सेकेंडली हमारे ममता मैम जो है वो अच्छी हैं, बट वो हमारी बात अगर नहीं सुन रहे तो हम लोग क्या कर सकते, तो हम लोग उनको सपोर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। और राहिल की म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग से रिलेटेड अपडेट मैंने दे चुकी हूँ,
और अपडेट और भी आई है राहेल की म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग्स रिलेटेड, वो भी मैं दूंगी, जल्द ही देने की कोशिश करूंगी। सो अगले कोई वीडियो में मिलते हैं, यही था बस गुड न्यूज़। अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ भी गुड न्यूज़ सा लगा होगा, आप लोग को अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा सा लगा होगा, कोई भी अपडेट, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। एंड आप लोगों के जो आप लोगों के कोई फ्रेंड अगर रियांश फैंस मतलब रियांश को वो लोग लाइक करते हैं, सो उन लोग के साथ ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड होता है, कोई न्यू धमाकेदार अपडेट्स के साथ न्यू वीडियो में मिलते हैं सब लोग।